जस्ट एक ही वॉश है आपको पता एक अमेजिंग सा लुक मिल जाएगा, आप यकीन नहीं करेंगे कि यार ऐसा हो सकता है। यस इट रियली वर्क, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और आपको पता चल जाएगा, ऑलमोस्ट ये मेरा फिनिश होने वाला है। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश, जो इसमें प्रॉपर्टी है टर्मरिक और सेफ्रन की, जो अपने आप में बहुत बेहतरीन है। आपकी स्किन को टैन रिमूवल बहुत ईजिली करता है, पैराबेन फ्री है और ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, डर्माटोलॉजिकल ये टेस्टेड है गाइस, तो वरी ना करें। 100 ml का है, यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी MRP की 249 है। और गाइस सब कुछ मेंशन कर रखा है इसमें, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, आपकी स्किन को जो सन डैमेज से रिपेयर करता है, आपकी स्किन को लाइटन करता है। तो गाइस डायरेक्शन दे रखा है, सबसे पहले अप्लाई आपको वेट करके ही इसको अप्लाई करना है, गीला होना चाहिए आपका फेस, फिर इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, उसके बाद इसको वॉश करना है रनिंग वाटर से। तो इसको अप्लाई आपको कहाँ करना है, फोरहेड पे, नोज़ पे, चिन एरिया पे, अपना आइज एरिया अवॉइड करना है। और गाइज ऐसा नहीं है, मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ काफ़ी, इसको मैं यूज़ करती आ रही हूँ तभी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आप देख सकते हैं मेरा ऑलमोस्ट एक ख़त्म हो चुका है अभी बिल्कुल, इसमें बस एक वॉश का बचा है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। इसका टेक्स्चर थोड़ा क्रीमी भी है, हार्श पार्टिकल है इसमें थोड़े बहुत, मगर ये मतलब इसको अप्लाई करने के बाद ही आपको एक ही वॉश में इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि आपको लगता है जैसे आप कोई फेशियल करा के आए हो, एक पार्टी लुक वाला मिल जाता है। तो गाइस यकीन नहीं हो रहा तो ट्राई करके देखो, तो आपको लगेगा कि सच में ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है गाइस। तो मैं कहूँगी कि ऑल स्किन टाइप के लिए है, एक्ने प्रोन स्किन वालों के एक्ने ख़त्म नहीं होंगे, मगर इंस्टेंट आपको एक ब्राइटनिंग मिल जाएगी स्किन में और एक आपकी स्किन में फ्रेशनेस आ जाएगी। अगर आपको कहीं इंस्टेंट जाना हो, फेशियल ना किया हो आपने, तो आप इसको एक स्क्रब की तरह, इसमें एक स्क्रब की तरह पार्टिकल्स हैं जो आपकी एक स्किन में ब्लैक हेड्स हो गए, वाइट हेड्स हो गए, टैन रिमूव हो गए, उसको काफ़ी हद तक रिमूव करता है। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो गाइस इसको आपको मैं अप्लाई करके बता देती हूँ। मेरा फेस पहले मैंने गीला कर लिया था, इसका इतना अमाउंट अपने हाथ पे लेना है और इसको सर्कुलर मोशन पे आइज एरिया को अवॉइड करते हुए जहाँ जहाँ हमारे ब्लैकनेस होती है नोज़ के अराउंड, चिन के अराउंड, फोरहेड के अराउंड, उस पर मसाज करना है और इसको आपको रनिंग वाटर से इसको वॉश करना है। तो आप देखेंगे बहुत अच्छा ग्लो आने वाला है, हर स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। ऑयल स्किन वाले ना सोचे कि हमारे पे वर्क करेगा कि नहीं करेगा, आई थिंक मेरी स्किन जो मैं बताऊँ तो सुपर ड्राई है, तो मुझे तो ये बहुत ही सूट कर रहा है। तो मैं कहूँगी, रिकमेंड करूँगी, अगर कोई फेस वॉश आप ढूँढ रहे हैं और मामा अर्थ में देख रहे हैं तो उबटन फेस वॉश को आप ज़रूर ट्राई कीजिए गाइस। उसके बाद मैंने रनिंग वाटर से वॉश करके इसको टॉवल से ऐसे कर लिया, ड्राई आउट कर लिया, तो आप मेरी स्किन में देख सकते हैं एक अलग सी ही ब्राइटनिंग आ गई है, फ्रेशनेस आ गया है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई फेशियल कराया, फेशियल के बाद ही ऐसा ग्लो आता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा बेस्ट फेस वॉश है। बस इसको आप दिन में 2 बार यूज़ करना तो 7 डेज़ में 10 डेज़ में आपकी स्किन काफ़ी इम्प्रूव होने लग जाएगी गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।